वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ था, यानी 26 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। तो जितने भी कैंडिडेट 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन देकर आए हैं, तो आप लोग जीके और साइंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होता है? तो ATP होता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो है रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु राज्य ने जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदानी दे दिया? तो खेजड़ी वृक्षों के रक्षा हेतु बलिदानी दे दिया। राज्यसभा के सीटों के आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? तो चौथी अनुसूची में वर्णित है। अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी में काम आता है? तो हाई ब्लड प्रेशर में बीमारी में काम आता है। एड्स के इलाज में किसका प्रयोग सफल नहीं हुआ? तो वैक्सीन का सफल नहीं हुआ था वैक्सीन। चुंबक का गुण है, ऑप्शन था आकर्षण, प्रतिकर्षण, दिक्सूचक, ये तीनों गुण है चुंबक का। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो है माजुली, जो आसाम में है। नेक्स्ट देखिए, बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? तो रंध्र के माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं बड़े पेड़। RBI के मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय क्या है? तो नैतिक दबाव, ये एग्जैक्ट ऑप्शन सही था। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन और मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण होगा? तो ये जो मिशन है किसका संगठन है? तो यह है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशंस का। अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो है हिंदी, और फर्स्ट पे कौन है? इंग्लिश। किस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पैराइट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो दबंग दिल्ली ने 3 बार जो चैंपियन रहा पटना पैराइट्स को हरा दिया है। किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य विधानसभा बन गया है? तो नागालैंड बन गया है। 1974 में स्त्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? अहमदाबाद में यह स्थापित हुआ। 14वें नेशनल व्हील चेयर फाइनेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। नेक्स्ट देखिए, सबसे विद्युत ऋण एलिमेंट्स यानी तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21A में किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान है। किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया होता है? अपचयन अभिक्रिया होता है। हमने किस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई? तो 2019 में मनाया। नेक्स्ट देखिए, किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो IBM ने किया है। तो ये रहा 26 अगस्त 2022 के 22 ऑथेंटिक क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपको सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।